दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अली आप सबका खैर मकदम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं चेयरमैन हूं AICPRT का, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर प्रोडक्टिव एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आजकल एक लीडरशिप की एक सीरीज चल रही है, इससे पहले मेरा एक लेक्चर लीडरशिप पर आ चुका है। आज जो मेरा लेक्चर है इसका टॉपिक है हाउ इफेक्टिव आर यू एज ए लीडर। टीम लीडर की बहुत बड़ी अहमियत होती है। टीम लीडर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि जब टीम लीडर जो होता है वो कोच की हैसियत रखता है, कि जैसे ही कोच होता है, कोच जब चेंज करता है तो टीम बहुत जीरो से हाई लेवल पे पहुंच जाती है, टॉप लेवल पे। इसी तरह से कोई टीम लीडर है, अच्छा टीम लीडर है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो जो है वो जीरो से टॉप पोजीशन पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को ले जाता है। इसी तरह से इसके बरक्स अगर कोई टीम लीडर अच्छा नहीं है, उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ नहीं है, तो वो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि टीम लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। तो लीडरशिप कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसे कहते हैं हम पर्सनल पावर। पर्सनल पावर का मतलब जो टीम लीडर है मिस्टर एक्स जो भी है एक्स वाई जो, उसके अंदर पर्सनल पावर का मतलब उसके पर्सनल पावर यानी उसके अंदर लीडरशिप क्या क्या क्वालिटीज़ मौजूद है, उसका प्रेजेंटेशन उसका कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका जो है बात करने का तरीका कैसा है, उसकी टीम लीडर की क्वालिटीज़ कैसी हैं, ये सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। सबसे पहले तो टीम लीडर जो हैं, अब देखिए यहाँ पर मेरे वीडियोज़ में मैं समझता हूँ कि बहुत HR मैनेजर्स भी देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, एंटरप्रेन्योर भी देख रहे होंगे। तो जब हम टीम लीडर को चुने तो उसके अंदर हमें ये सारी क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि उस बंदे के अंदर किन किन चीज़ें खसूसियत हैं या नहीं है, और नहीं है तो हम उसमें उनको ट्रेनिंग के ज़रिए से प्रोवाइड किया जा सकता है। जब तक पर्सनल पावर का मतलब इंडिविजुअल टीम लीडर के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो उसका असर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं पड़ेगा, यानी उनके सबऑर्डिनेट पर नहीं पड़ेगा। जब सबऑर्डिनेट पर नहीं पड़ेगा तो फिर ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं पड़ेगा तो कम्युनिटी पर नहीं पड़ेगा, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होगी। तो हमें सबसे पहले एज ए टीम लीडर हमें पर्सनल पावर गेन करना, इससे नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको टीम लीडर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं पर्सनल लेवल पर, पर्सनल पावर क्या क्या होता है उसको और मैं ब्रीफ में शेयर करूँगा। तो पर्सनली हमारे पास जो टीम लीडर की क्वालिटीज़ होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स उसका बहुत अच्छा हो, उसके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा हो, बिहेवियर उसका बहुत अच्छा हो, प्लानिंग बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, अपने सबऑर्डिनेट को कैसे मोटिवेट करता है, ये सारी इफेक्टिव करता है। तो टीम लीडर के लिए सबसे पहली बात यह है कि वो पर्सनल पावर को गेन करे, अगर कुछ चीज़ें कमी आती है तो उसको जो है वो आगे चल के अपने आप को इम्प्रूव करें। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जिसमें कुछ लगभग 25 क्वेश्चंस होंगे, उसमें अपने आप को जज करें, अपने आप को जज करके अंदाज़ा लगाएं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसके बाद उसको दूर कर सकते हैं इस वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह। बाकी जो दूसरी पावर होती है, दूसरा कंपोनेंट है, उसे कहते हैं हम इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंसर, यानी आप जो टीम लीडर हैं आपको देखकर आपके जो सबऑर्डिनेट आपके हैं जो आपके एम्प्लाई हैं वो जो है वो कितना इन्फ्लुएंस को आप कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पावर भी बहुत ज़रूरी है, पर्सनल पावर वो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आप इंडिविजुअल तो बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन अगर आप अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा उस लेवल पे, आपका पर्सनल डेवलपमेंट भले ही हो जाए। तो आप टीम लीडर के हैसियत से आपको अपने लेवल पर पर्सनल पावर भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ पर्सनल पावर के साथ आपका कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट को, आपको देखकर कितने आपके सबऑर्डिनेट ने अपने आप को टीम लीडर बनने की कोशिश करी है और अपने आप को कितना इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी है, ये सेकेंड पॉइंट चीज़ होती है। तीसरी चीज़ होती है प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट। प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अब आपका एज टीम लीडर इंडिविजुअल बहुत अच्छे हैं आप सारी क्वालिटीज, उसके साथ साथ आपके जो सबऑर्डिनेट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, आप उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उस दोनों कॉम्बिनेशन से प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, यानी ऑर्गेनाइजेशन का उसका डेवलपमेंट हो पा रहा है, उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो फिर हम उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट। चौथी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो MNCs हो या फिर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपकी कम्युनिटी पे उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वो हम कहते हैं सो कम्युनिटी पावर।
और एक फिफ्थ पॉइंट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डीपली हमने बात कर ली कम्युनिटी का मतलब क्या है। कम्युनिटी का मतलब जब आपका पर्सनल लीडरशिप या उसके साथ साथ आपका आप इन्फ्लुएंसेस कितने हैं, उसके साथ आपने जो है तीसरी चीज़ है प्रोग्रेसिव पावर के बाद उसका असर आपकी कम्युनिटी पर कितना पड़ रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिटी का मतलब आपके वेंडर पर कितना, आपके सप्लायर पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, कस्टमर पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, आपके स्टेक होल्डर्स पर कितना आपको फ़र्क पड़ रहा है, इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है, वो दिखाता है कि आपको कम्युनिटी पावर किस तरह से डेवलप लेके आना है। तो ये पूरा इंटरलिंक है, एक टीम लीडर अच्छा होगा पर्सनल पावर, उसके बाद फिर उसका इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर के बाद फिर आपको प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट जो है प्रोग्रेसिव एडवांसमेंट, उसके बाद फिर कम्युनिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। और बाकी जो फिफ्थ पॉइंट है वो पॉइंट है आपका कॉमन, यानी हम चारों पॉइंट्स को जब हम सही चारों चीज़ें सही से काम करेंगे तो उसका कॉमन पर्पस पर यानी एक ऑब्जेक्टिव पे आप काम करेंगे। तो दोस्तों ये इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ्रेमवर्क मैंने आपको शो किया है और फ्रेमवर्क 25 पॉइंट्स हैं, 25 पॉइंट का अपने आप को जज करें। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो आपका पर्सनल पावर और इन्फ्लुएंस वाली जो मैटर है उस दोनों के लिए एनालिसिस करने के लिए 25 पॉइंट है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा है कि आई कैन काम माई सेल्फ इवन आई एम अंडर स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस में भी हैं तो आप आपको शांत कर पाते हैं नहीं कर पाते। इसमें आपको देखिए तीन ऑप्शन हैं, ऑलवेज है, समटाइम्स है या नेवर है। तो आपको बिल्कुल सही मायने में अपने आप को जज करना है और टिक करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया है या दे रहा हूँ इसका प्रिंट आउट के लिए, और इंडिविजुअल लेवल पर एज ए टीम लीडर वो भी चेक करें, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी यानी इन्फ्लुएंसर लेवल पर भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद फिर जज करें कि कहाँ कमी रह रही है, उस कमी को फिर हमें कैसे दूर करना है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं, बहुत बहुत शुक्रिया।